अरे तो कैसे हो यार सभी लोग। देखो, न्यू मॉन्स्टर आ चुका है हमारा, और इसका नाम कुछ टशकर करके कुछ है, जो भी अजीब सा नाम है। नाम से मतलब नहीं, हमें हीरो से मतलब है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे इस मॉन्स्टर के बारे में, और क्या क्या चीज़ें हैं, किससे क्या मारना है। इसे मारना किसे, वैसे पता नहीं इससे किसे मारना है, देखते हैं चल के। इसे मारते हैं कि इसका डैमेज वगैरह देखते हैं। तो ये मॉन्स्टर ये रहा अपना, इसको देखते हैं सबसे पहले क्या है। फिजिकल दो मैजिक टाइप के हीरोज ही लगेंगे मेरे को। गिल्ड ज्वाइन करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है रुको, गिल्ड ज्वाइन करते हैं हम इसके लिए। इसका डैमेज वगैरह देख लेते हैं कैसा है, इसके बाद में चल के देखते हैं इसके गियर। और रुको, किससे मारूँ उसे। बॉम्बिन कॉम्बिन चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। और क्या, स्नो क्वीन हो गई एक, देखते हैं। चलो इसके साथ देखते हैं डैमेज कितना रहता है इसका। वैसे मेरे अंदाजे से 19 से 22% तक जाना चाहिए। हाँ तो ये लाइनअप सही है। नॉर्मली हम जो जेड वर्म के लिए वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वही इसके लिए भी यूज़ होगा। इसके गियर अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं देखे, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे गियर है क्या है, और मुझे मॉन्स्टर के बारे में पता नहीं। तो जस्ट मुझे मेरे ग्रुप में से पता चला अभी कि एक नया मॉन्स्टर आया। वाह क्या बात है, तो काफ़ी टाइम पहले आ चुका है। तो जो भी, हालांकि मॉन्स्टर दिखने में, अब IGG की बात नहीं करेंगे, ये हाथी और किसी का कॉम्बिनेशन लग रहा है खतरनाक। पर जो भी सही है, नए मॉन्स्टर आते रहने चाहिए, नए नए गियर दिखने चाहिए हमें। पर हमारे किसी काम के हैं यानी गियर का भी चल के पता करते। चलो ये मॉन्स्टर मर जाएगा, इसको मारते हैं गोली चल के, हम देखते हैं गियर अभी। इसके साथ साथ और देखेंगे क्या क्या है, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैंने जस्ट अभी गेम खोला तो ये आ गया। तो ये क्या है, तो इसके कुछ हैं, 1 2 3 4, कितने गिनती भूल गया, 1 2 3 4 गियर हैं इसके। आर्मर में, लेग में, मेन हेड में, एक्सरीज में। एक्सरीज के सही है, मतलब ड्रम की जगह इसको हम लगा सकते हैं। भाई साहब 35% अटैक सटीक है विद कैव के लिए। तो ये मॉन्स्टर जो पूरा कैव का तुम्हें अटैक देता है। मेन हैंड भी सही है इसका, 52%। भाई साहब दिखते चाहिए क्या इसके लिए, 7 भूल जाओ। आर्मर ये क्या, छोड़ो। तो उसके तीनों गियर बढ़िया हैं देखा जाए तो। क्या बोलता, लेग्स में बढ़िया है, मेन हैंड में बढ़िया है, एक्सरीज तो भाई बोलो ही मत। चल के थोड़ा सा कंपैरिजन अगर मैं, भाई चल के देखते हैं, क्योंकि भाई सही है ये। लास्ट किसका आया था यार अपना, ये कॉटेज रोल। तो ये इन्फेंट्री के गियर थे, ठीक है, ये इन्फेंट्री के थे, इन्फ के गियर थे। ऑफ एंड में एक बढ़िया इन्फ का गियर यहाँ से मिल गया था, वो सही बताऊँ तो मैं। और इस बार आया कैव, तो अगला मॉन्स्टर भी एक और जल्दी आने वाला है, जो कि रेंज का होगा। जहाँ तक नॉर्मल सी बात है, अब एक और आएगा वो रेंज के अटैक देगा। तो कैव अटैक देख लेते हैं हम इसमें, कैव अटैक। ओके तो अभी तक हमारा, देखो नॉर्मली देखा जाए, हमारा ड्रम था जो कि हमें 22% अटैक देता है। हम जैसे नॉर्मल ठीक ठाक हो जाता है, देखो ज़्यादा वो नहीं, आराम से हो जाता है। पर अब देखो प्लेयर्स के पास में ऑप्शन यही रहता है, हाईएस्ट ये अटैक जो है कैव का, अभी तक हमारा ड्रम देता था। उसके अलावा बाद में अगर कोई गियर था वो था हमारा चैम्पियन गियर देते थे। पर अब एक और चलो आ गया, ये किधर गया, ये रहा हमारा। अब इसका यार ये मटेरियल जो है, देखो ये कितना है, इसका ड्रॉप रेट कैसा रहेगा वो उसके ऊपर है। पर जैसा भी, अभी तक मुझे इसके ये नॉर्मल मिले, पर देखता। 9 चाहिए इसके लिए। इसको पर्पल वगैरह पे कितना अटैक था, पर्पल पे 15% अटैक दे रहा है। गोल्ड पे 25। पर देखो वही बात यार, देखो अपना ड्रम फिर भी बेस्ट रहेगा मेरी नज़रों में, क्योंकि देखो ड्रम के लिए सिर्फ तुम्हें एक गार्गेंटू आया चाहिए, उसके लिए तुम्हें 9 ये चाहिए। अब इसका ड्रॉप कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, फिर भी इसके लिए 9 लेजेंडरी ये चाहिए, 9 सोच रहे हो ना। तो ये अमीरों के चोचले हैं, ये अपने किसी उसका नहीं है ज़्यादा।
और वैसे भी मिथिक करने के लिए इसको 6 लेजेंडरी एम्बर भी चाहिए फिर, तो एक तरीके से इसको वही मान लो एक तरीके से चैम्पियन गियर के बराबर ही, उतना पैसा नहीं लगेगा, पर फिर भी इसमें पैसा तो लगेगा जैसे हर कोई गियर में लगता है। पर देखो हमारे ड्रम वगैरह करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है, ड्रम करने के लिए से तुम्हें एक लेजेंडरी आई चाहिए, पर इसके लिए 9 लेजेंडरी तुम्हें इसका ये मटेरियल चाहिए। इसका नाम क्या है, रेज नाम है इसका जो भी, तो इसके लिए 9 चाहिए। तो ये चीज़ ना देखो, अब देखो सबको पता है वही बात है, पैसा भाई, पैसा पैसा, आई जी जी पैसे के लिए कर रही है भाई, तो भाई वो कंपनी है वो करेगी, पर हम बात कर रहे हैं गेम खेलने की, ठीक है। प्लेयर्स करेंगे ऐसे भाई यार, अब देखो अब होगा कुछ नहीं, प्लेयर्स का अटैक और बढ़ता जाएगा, हम जैसे छोटे प्लेयर के लिए मुश्किल होगी और क्या। पर जो भी सही है, गेम डेवलप कर रहा है, गेम ग्रो कर रहा है, नई चीज़ें देखने को मिल रही है, हमारे किसी काम की नहीं है। पर यार आर्मर वगैरह में देखो, आर्मर किधर गया, आर्मर भी अटैक सही था इसका, अरे आर्मर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें तो घटिया है, लेग्स में, लेग्स में था, लेग्स में, तो लेग में है 22%, इसके लिए भी 2 चाहिए। आई थिंक देखो ऐसा हो सकता है इसका ड्रॉप रेट इतना भी अच्छा नहीं होगा, पर फिर भी देखो लेजेंडरी वो मांग रहा है, ये मांग रहा है, पर ये तुम्हें पता है ना, ये हमारे किसी उसका नहीं है। ड्रम फिर भी बेस्ट इसलिए रहेगा, उसके लिए देखो एक मटेरियल लगता है। अब गियर परसेंटेज में अटैक दिया, उसका मतलब ये नहीं वो बढ़िया है, उसके में क्या मटेरियल लगेगा, कितना लगेगा, उसके ऊपर भी तो रहता है ना यार। इसका एक और गियर कहाँ गया, मेन हैंड में था शायद से, मेरे ख्याल से ये था ईओनेक्स। ओ भाई 52, सो 52, हालांकि कोई और वो नहीं है, पर फिर भी देखो अब कैव के लिए ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी इससे पहले हमारा कैव का था जो सबसे ज़्यादा अटैक देता था, किधर गया, 35 35 35, हॉर्न हमारा गार्गेंटुआ का, तो ये 42% कैव अटैक देता था, साथ में कोई कैव की मैक्स एचपी नहीं है, एंड ये बेस्ट गियर था कैव सेट के लिए। सो अब ये चेंज हो जाएगा हमारा, इससे प्लेयर्स करेंगे यार, उनका अटैक बढ़ेगा, तो टोटल 10% अटैक प्लस 14% मैक्स एचपी, हालांकि इसको इसको भी 7 चाहिए करने के लिए। पर गियर्स इसके भाई, अगर देखो हम फ्री टू प्ले हैं, पर फिर बात तो कर ही सकते हैं हम देखो इसके ऊपर, क्योंकि सही है देखो गेम डेवलप कर रहे हैं। हाँ बोलते हैं यार, देखो मुझे देखो पर्सनली बताऊँ, मुझे पसंद नहीं लोग बोलते हैं कि अजीत पैसा कमा, हाँ वो एक भाई कमा रही है, तो जाहिर साफ सीधी बात है, कोई पागल होगा जैसे ये चीज़ नहीं दिखेगी भाई, उनको पैसा कमाना है, वो ऐसी चीज़ें लाएंगे भाई, वो कम वो उनको पैसा कमाना है, हर कोई अपना प्रॉफिट चाहता है। पर फिर भी गेम बढ़ रहा है, प्लेयर्स का स्टैट्स बढ़ेगा, जो होता है ना नॉर्मल सिंगल कैव अटैक कभी होता था 950%, 960%, 1000%, वो आने वाले टाइम में 1100-1200 भी पहुंचेगा ऐसी गियर आए तो। नहीं मतलब फिर भी फ्री टू प्ले के हिसाब से देखो, चैम्पियन गियर के कंपैरिजन में भी हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे, लाइक फैमिलियर के अपडेट्स आए थे उनके साथ साथ अटैक और बढ़ेंगे, कैस्टल स्किन साथ ही रहेंगी, प्लेयर्स के जो टाइटन प्लेयर्स उनके अटैक बढ़ते जाएंगे, और वही चीज़। फिर भी अब नॉर्मल गियर भी मिथिक के बाद में 52% अटैक दे देते हैं, तो बहुत सही रहता है, तो अब लोग ना अवॉइड करेंगे थोड़ा थोड़ा कि इन्हीं गियरों से काम चला लें, चैम्पियन गियर और मिथिक गियर को मिक्स करके, चैम्पियन मिथिक गियर वगैरह को मिक्स करके, तो ये सही रहेगा। क्योंकि एक टाइम पता है क्या, अपने टाइम का, मेरे टाइम की मतलब हमारे टाइम पर लोग जब मिथिक वगैरह अपडेट नहीं आया था या आया था जो भी, पर उस टाइम पे लोग जो हैं जो विंटर मिट्स है हमारा, किधर गया, ये उसे हटाने दो, देखो विंटर मिट्स जो है इसको सभी लोग ना किसी चैम्प गियर के बराबर ही मानते थे, बराबर नहीं तो कम मानते थे, पर बहुत अच्छा गियर मानते थे इसको, किधर गया विंटर मिट्स, ये रहा। देखो इस गियर को सबसे ज़्यादा पहले वैल्यू दी जाती थी, अभी भी दी जाती है, ऐसी बात नहीं है, उसकी वजह है सिर्फ ये कि ये 35% आर्मी मैक्स एचपी देता था, मतलब तो इस वजह से सिर्फ कुछ लोग देते थे, ज़्यादा नहीं,
पर फिर भी लोगों का अपना अपना मानना रहता है गियर के मामले में, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, पर ड्रॉप रेट के ऊपर है। देखो अब अगर हम मॉल में आते हैं, मैं एक बात बताना चाहूँगा यार, देखो इसका पैक है ये तुमको 399 50 मिल रहे हैं यार, सही है, अच्छा तो 50 मिल रहे हैं। अब देखो अब ये चेस्ट है ये तुम्हें यहाँ से अलग से ही लेना पड़ेगा, ये तुम्हें क्या बोलते हैं हमारा उसका पैक का नाम क्या भूल गया मैं, मटेरियल मैडनेस में नहीं मिलेगा। अब मटेरियल मैडनेस की बात करूँ, देखो गारगेंटुआ से ले लो या जो जिससे भी ले लो, यहाँ पे तुम्हें देखो बेस्ट वैल्यू मिल जाती है। अब अभी ये महंगा है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसके पैक सस्ते हो जाएं या 399 में और ज़्यादा चेस्ट मिलें वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पर फिर भी अभी के लिए देखो यहाँ पे तुम्हें जो बेसिक गियर रहते हैं अपने गियर बनाने के लिए, मैंने मेरे जितने भी गियर हैं वो मटेरियल मैडनेस से ही बने हैं, तो समझ रहे हो मैंने ये वो बात अलग है। पर जैसे चेस्ट होते हैं लाइक हमारे फैमिलीयर्स वगैरह के या जो भी हमें हम चाहिए कुछ चेस्ट बाय करना है तो वो अलग से पैक खरीदने पड़ते हैं, तो वो जो ये जो मॉन्स्टर है यहाँ पे नहीं मिलेगा तुम्हें, ये अलग से खरीदना पड़ेगा, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। हालांकि एक्सरीज में देखो बहुत बड़ी बात है, 22 से 35% कितना यहाँ पे हुआ मेरे ख्याल से 12 से 13% अटैक बढ़ा है कैव का, और टाइम्स 3 तुम एक्सरीज में 3 गियर यूज़ कर सकते हो, तो ये बहुत ही वैसा चीज़ है, कुछ 30 से 40% अटैक बढ़ जाएगा नॉर्मल किसी प्लेयर का। लाइक देखो अगर मैं कोई मैक्स प्लेयर हूँ, ठीक है मैं कोई मैक्स प्लेयर हूँ, ये मेरा कैव सेट है, ठीक है सब मिथिक है, सब मिथिक है, सारे गोल्ड ज्वेल्स हैं, मैं ड्रम यूज़ करता हूँ, मेरे पे कोई चैम्पियन पीस नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अंधा पैसा है मेरे पास, बस चैम पीस नहीं है, अंधा पैसा ही चैम पीस नहीं है, ये कैसा सेंस पर जो भी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो अब मेरा यहाँ पे ना 40% कैव अटैक पड़ जाएगा जितना भी हो, सिंपल सी बात है, लोग बनाएंगे ये गियर को। आने वाले टाइम में अभी नया मॉन्स्टर भी हमें देखने को मिलेगा। अब चल के ज़रा हीरो के लुक्स देख लेते हैं, मैंने इसको हीरो को देखा नहीं कैसा दिख रहा है या कैसा नहीं दिख रहा है, तो कुछ मिला तो नहीं वैसे इससे मुझे, पर फिर भी क्या ही बोल सकता है। तो ये हाथी है, हाथी लग रहा है मेरे को, एक ऐसा हाथी जो दो टांगों पर चलता है, क्या बात है भाई, अरे भाई साहब किधर गया ये, ओ तो ये है, ये एक ऐसा हाथी है जो दो टांगों पर चलता है, क्या बात है, ओ भाई साहब अजीब कर रहा है, मतलब चलो बस यही यार एंड करते हैं। वैसे आजकल तो हर कोई अपनी तुम्हें मिल जाती है वीडियो, तो मैं सोच नहीं आता वीडियो बनाने की, पर फिर भी बना ही देते हैं, फेंक देते हैं, फ्री के व्यूज़ मिल जाएंगे। जो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, बाय, टाटा, सी यू। और सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की, वो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स हैं, एक दूसरे से डिटेल शेयर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में तुमको इंस्टाग्राम मीम पेज की लिंक मिल जाएगी, और वहीं पे मेरा हैंडल मिल जाएगा मेरे रियल इंस्टा अकाउंट का। सो बस बाय।